गुरु जी आपके माता पिता के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से आई हूँ। खुश रहिए गुरु जी, मेरे माता पिता के आशीर्वाद दीजिए और बच्चों के, दो लड़के हैं, पिछले दिसंबर में पति भगवान के पास चले गए थे, बहुत दुखी रहते हैं। गुरु जी आपकी कथा 67 लाख था तब से देख रहे हैं, जब तक कथा नहीं सुनते सिर में दर्द हो जाता है गुरु जी, पर बहुत संतुष्टि मिलता है। आशीर्वाद दीजिए कि घर में बहुत क्लेश रहता है गुरु जी। क्लेश किसके कारण रहता है? घर में गुरु जी दो बहने की शादी हुआ था और दोनों के पति भगवान के पास चले गए के 2012 में, मेरा पिछले साल 2021 में। अब भगवान जाने गुरु जी किसने कहा कुछ जादू टोना कर दिया, बहुत परेशान रहते थे। आपकी कथा सुनते हैं तो थोड़ा मन के शांति मिलता है, नहीं तो गुरु जी बहुत दुखी रहते थे हम। दो लड़के हैं मेरे, बहन के 4 बच्चे, आशीर्वाद दीजिए ना घर में थोड़ा बढ़ान्ति हो जाए। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें योग्य बनाओ, खुश रहिए। महाराज राधे राधे। अजमेर राजस्थान से हूँ मैं। अजमेर राजस्थान से हूँ जी। मेरे को दो चीज छोड़ ली है महाराज जी। क्या? एक तो वो और एक वो। दो दिन में इतना फर्क पड़ा मेरे यहाँ आने से। अब मैं अजमेर जाऊंगा ना तो मैं पूरा ही छोड़ने की कोशिश करता हूँ। शराब और मांस जी तो छोड़ दो, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो फर्क पड़ेगा मैं महाराज जी बिल्कुल, जब दो दिन में इतना परिवर्तन हो गया कि आप अभी महाराज जी अभी भी इच्छा नहीं होती है मेरे को। खुश रहिए। नहीं तो महाराज ठीक है, आप संकल्प कर लीजिए और छोड़ दीजिए इन बुराइयों को। राधे राधे। अभी बैठेंगे अंदर, बैठेंगे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी हम नेपाल से। नेपाल बताओ। मेरा थोड़ा सवाल है थोड़ा ही। बोलो बोलो। मेरे घर वाला तो बोलते हैं, फैमिली वाला से तिलक नहीं लगाने के लिए, ऐसे बोलते हैं बाबा जी है, सभी बोलते हैं, फैमिली वाला रिश्तेदार भी बोलते हैं तिलक लगाना चाहिए, जरूरी है। सब बोलते हैं मेरे खानदान में कोई नहीं लगाए, मत लगाओ, इससे बाबा जी है, बहुत सारा बात बोलते हैं। भाई खानदान में किसी ने अच्छा काम नहीं किया तो कोई ना करे क्या? हम बोले तुलसी माला लेंगे इसीलिए मना कर दिए हैं। उनको समझाओ। सब मीट मछली खाते हैं सब, हम भी खाते थे तो छोड़ दिए 2-3 महीना से, सब कुछ छोड़ दिए। वाह सुंदर। क्या नाम है आपका? राकेश। जैसे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के दुष्टों के बीच में एक प्रहलाद जी थे ना जी, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा सज्जनता से रहती है, उसी तरह आप उन लोगों के बीच में सज्जन बन करके अच्छे बन के रहो, जैसे लंका में विभीषण जी रहते थे। हम बोलते हैं छोड़ने के लिए तो बोलते हैं तुम छोड़ दो, हम सब नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, जैसे विभीषण के प्रभाव से सारी लंका वासियों को भगवान राम के द्वारा सदगति हुई, ऐसे आपके पुण्य प्रताप से आपके पूरे खानदान का कल्याण होगा। एक सही रास्ते पर चल जाए तो सबको तार देता है वो, तो धीरे धीरे सुधरेंगे। जब सुधरेंगे यहाँ आने से भी मना कर रहे थे सब, फिर कहाँ जाने से हामी भरते हैं? हम बोल रहे थे यहाँ न जाओ, बाबा जी है सब बिगाड़ देंगे, ऐसा वैसा बहुत रंग के बात बोल रहे थे। बाबा जी बिगाड़ देंगे, देखो खुद मांस खा रहे हैं, खुद शराब पी रहे हैं। मेरा सिस्टर सभी है यही बात बोलते हैं। ठीक है, अब उनसे बोलना कि आप सुधरे हैं। एक बार आप बोल दीजिए सबके छोड़ने के लिए, सब लाइव वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं सब लोग, छोड़ दीजिएगा, जरूरी है। इन सब बुराइयों से अपने आप को हटाओ और अपने आप को बेहतर बनाओ, अच्छा बनाओ। आप ये जो करेंगे ना, हमारी बात जो कोई मानता है वो मानकर अपना ही फायदा करता है, आपका ही फायदा है जी गुरु जी। और किसी का फायदा, आप हमारी बात मानेंगे तो आपका लाभ है, हमारा क्या लाभ है जी गुरु जी। हमारा तो धर्म है आपको सही रास्ते पर। हमको खूब बहुत मन थे आपसे दर्शन करने का, 2-3 महीना सबको लेके आना, धीरे धीरे सब रास्ते पर आए, सही रास्ते पर। हमारे सनातन धर्म में चाहे वो कहीं का व्यक्ति हो, मांस मांस खाने की इजाजत नहीं है, सब गलत है ये। एक सवाल और है, मैं पड़ोसी के लिए, एक बहन है ये अपना ससुरा से छोड़ के मायका रहते हैं, ऐसे बोल दीजिए ससुरा चले जाए। तो ससुरा नहीं जाती है? जाती है, ऐसा ही झगड़ा करके शायद चले आए हैं, तो अभी यहीं पे तलाक उलाक की बात बोल रहे थे। हाँ तो उनको समझाना कि ससुरा जाओ।
मैं तो बोले आप भी समझाना और उसकी माँ को ज़्यादा समझाना। हाँ यही तो, माँ की बात पे सब बात चलते हैं तो सब चले आते हैं मायके। समझाओ उनको, बोलना कि बेटा मायके में रहने से कल्याण नहीं होगा, ससुराल जाओ, पति के पास रहो, वहाँ छोटी छोटी बातें सबके घर होती हैं, भाग के नहीं आना चाहिए। जी गुरु जी, राधे राधे। कथा सुनवाना सबको, पूरे नेपाल वासियों को।